छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कोंडा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बैंक खाते में 15-15 लाख रुपये डालने की बात कही थी। इस तरह से कई अलग अलग वादे किए, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं यहाँ पर कोई झूठा वादा करने नहीं आया हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन आज 2640 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी नीयत साफ है, इसलिए हमने आपके कहे बिना उसे बढ़ा दिया है और कुछ ही समय में ये धीरे धीरे 3000 रुपये हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमने पिछली बार किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने कहा कि 1-2 साल में नहीं होगा, परंतु पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्जा हमने माफ़ किया था। हमने 10,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की और यही वादा एक बार फिर मैं कर रहा हूँ। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के किसान न्याय योजना के तहत दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने कांकेर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में एक रैली को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। वहीं कोंडा गांव में राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर तेंदू पत्ता संग्राहक परिवार को सालाना 4,000 रुपये बोनस देने की भी बात कही। अब इसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के ये वादे पर जनता कितना विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ की ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।